एसएससी की तरफ से आज फिर अखबार भर के आया है। क्या क्या बताया गया है कि ग्रुप सी जो डी का पेपर है वो 4 और 5 या 10 11 मार्च को होना बताया था, तो उसकी तारीख अभी तक लिखित में नहीं आई है। दूसरा, पुलिस सिपाही भर्ती के रूल और टीजीटी संशोधित रूल अभी तक आयोग को नहीं मिले। ठीक है, उसके बाद जो है सोशियो इकोनॉमिक्स में दुरुस्त करवानी है, जो करेक्शन करानी है, उसके लिए ट्रायल्स 25 जनवरी तक पूरा हो जाएगा। 27-28 जनवरी को जो है एप्लीकेशन डाल दी जाएगी भाई। ठीक है, हाई कोर्ट से लगे जुर्माने के फैसले की अपील करेंगे। अभी जो चर्चा में है कि हाई कोर्ट ने जो एचएसएससी पर जुर्माना लगाया है 1 लाख रुपये, उसके खिलाफ अपील की जाएगी। आईटीआई इंस्ट्रक्टर भर्ती के 450 पदों का रिजल्ट रहता है, वो कोशिश है कि 31 जनवरी तक कर दें, नहीं तो फरवरी के पहले सप्ताह में कर देंगे। फिर उसके बाद जो है ग्रुप सी के विज्ञापन जो 10 फरवरी तक संभव हैं, और 54 ग्रुप जो ग्रुप हैं उसमें भी संशोधन जो है हो सकता है। भी अगर कोई किसी प्रकार का कोई संशोधन उसमें होना है, कैटेगरी और बढ़नी है, किसी को निकालना है, तो वो भी काम इसमें हो सकता है। टीजीटी के जो है नियम भर्ती के अभी तक अध्यक्ष साहब को मिले नहीं हैं। ठीक है, डिपार्टमेंटों के पास इतना टाइम ही नहीं है कि वो भर्तियों के जो रूल हैं वो निकाल लें। पुलिस सिपाही भर्ती जो है उसके लिए सभी से आवेदन करवाएंगे, और फिजिकल के लिए 7 गुणा को बुलाया जाएगा। ठीक है, उसके बाद पीएसटी या वगैरह हो जाएगी, उसके में से फिर टॉप जो 4 गुणा बच्चे होंगे उनमें को बुलाया जाएगा। भोपाल सिंह खत्री से पूछा गया कि 7 गुणा बुलाने का आधार क्या है, तो पहले भी 7 गुणा बुलाए थे, अब भी 7 गुणा बुलाएंगे। उसके बाद ग्रुप डी का जो पंजीकरण है वो फरवरी के पहले सप्ताह में पोर्टल खोलने की संभावना है। ठीक है, अभी 4, 5 और 10, 11 मार्च सिर्फ फरवरी है, कोई पक्का नहीं है, तो ये पेपर लगभग आगे जाने की संभावना है। तो एचएसएससी की तरफ से ये पूरा अखबार भर के आया था, ये डिटेल आपको देनी थी। ऐसी अपडेट के लिए बने रहनी जो क्लासेज के साथ। धन्यवाद।